Hello friends, good afternoon. This is Dr. Bakul Dev from Unacademy Studios Placebo. And I welcome all of you in this very exciting and interesting session. Kyunki ek major unit hum complete kar chuke hain, that is Animal Kingdom. Aur aaj hum Animal Kingdom mein previous years mein jo questions puche gaye hain NEET mein ya AIIMS mein, un questions ko discuss karenge aur unke saath saath kuch aur jo important questions hain उनको डिस्कस करेंगे. सो दिस एंटायर सेशन इज डेडिकेटेड टू द क्विज. तो हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. पुराने साल के क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपको यह भी अंदाजा लगेगा कि एग्जैक्टली जो कंटेंट आपको स्टूडियोज प्लेसेबो के प्लेटफॉर्म पर दिया गया है, आपको खुद को ये अंदाजा होगा, ये महसूस होगा कि वो कंटेंट सफिशिएंट है. उससे ज्यादा हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस कंटेंट से बाहर कभी भी कुछ भी नहीं पूछा जाता है. ओके, सो गेट रेडी फॉर द क्विज. हम बस हमारा सेशन स्टार्ट करने ही वाले हैं. टीम प्लेसेबो आपके सामने यहां स्क्रीन पर है. बच्चों, हम डेली 12 आवर्स के लाइव सेशंस ले रहे हैं आपके लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स में. अमित सर आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं शाम 5 बजे, रात 11 बजे. दीपक सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दोपहर 2 बजे, रात 9 बजे. आनंद सर आपको जूलॉजी पढ़ा रहे हैं सुबह 10 बजे और रात 10 बजे. मैं भी आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूं दोपहर 3 बजे, शाम 7 बजे. ऋतु मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं शाम 4 बजे और शाम 6 बजे. रोहित मालव सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे. ओके, तो टीम प्लेसेबो के साथ जुड़े रहिए. ये बहुत 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 वंडरफुल प्लेटफॉर्म है और यहाँ नीट और एम्स दोनों का एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन हम सब लोग आपको करवाएंगे. आप अगर कॉन्टिन्यूसली इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, आपने रेगुलरली सारे सेशंस अटेंड किए, सारी गाइडलाइंस फॉलो की, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें आप नीट और एम्स दोनों क्रैक करने वाले हैं. ओके, तो हम आगे चलें बच्चों. मेगा क्विज हमारा आज का सेशन है. जो नए बच्चे आए हैं पहली बार इस सेशन में, रोज कुछ कुछ नए बच्चे आते हैं और जो पुराने बच्चे हैं वो तो रेगुलर रहते ही हैं, फिर भी सबको रूटीनली सारे सेशंस अटेंड करने चाहिए. तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताता चलूं, माय सेल्फ डॉक्टर बकुल देव, मैं जयपुर से हूं. 15 सालों से मैं मेडिकल एस्पिरेंट्स को जूलॉजी पढ़ा रहा हूं. हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, हजारों बच्चों उनमें से सेलेक्ट भी हुए हैं. मैं चाहूंगा कि इस वर्चुअल क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट हों, तो मेरे खुद के क्रेडेंशियल्स भी थोड़े अच्छे हों. अभी जैसे मैंने लिखा हुआ है 6 times AIR1 मेरे स्टूडेंट्स लेकर आए हैं. मैं चाहता हूं कि अकाउंट बढ़े 7, 8, 9, 10 times. ओके, तो बिल्कुल मेहनत करते रहिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए 100%. मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से भी कुछ बच्चे बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होने वाले हैं. अच्छा बच्चों, क्विज हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं जल्दी से बता दूं आपको जो बहुत ही जरूरी एक इंफॉर्मेशन है, और वो ये है कि जल्दी से प्लस के प्लेटफॉर्म पर आ जाओ. अनअकैडमी प्लस का जो प्लेटफॉर्म है वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वहां किसी भी तरीके की कमजोरी, कोई लक्यूना आपके प्रिपरेशन में रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इतने एंगल से आपको सपोर्ट मिलता है वहां पर, इतने एंगल से आपके एक एक कंफ्यूजन, एक एक क्वेरी, एक एक क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं कि कोई कारण ही नहीं है कि आपका सब्जेक्ट 100% स्ट्रांग ना हो जाए. हर लेक्चर के बाद हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स दे रहे हैं वहां पर. हर चौथा क्लास हमारा डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन होता है. लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है क्लास की, 1-to-1 चैटिंग होती है, बातचीत होती है, बच्चे अपनी क्वेरीज लिखते हैं, हम उनको रिप्लाई करते हैं. आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने क्वेश्चंस के इमेज हैं आपके पास तो आप उनको अपलोड कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, उनको हम डिस्कस करते हैं क्लास में. वीकली हम क्विजेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यूनिट कंप्लीशन पर मेगा क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत पर्सनलाइज्ड मैनर में एक ट्रेनिंग का प्रोसेस वहां पर चल रहा है, तो उसको मिस मत कीजिए, जल्दी से उस प्लेटफॉर्म पर आइए, हम सब आपका वेट कर रहे हैं. और केवल टीम प्लेसेबो ही नहीं बच्चों, टीम प्लेसेबो के अलावा ऑल ओवर इंडिया से ओवरऑल लगभग 40 टॉप एजुकेटर्स इस वक्त अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर हैं, और आप जैसे ही प्लस को सब्सक्राइब करते हैं तो आप सबकी क्लासेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, सबके नोट्स के लिए, सबके डाउट सेशंस के लिए, सबके क्विजेस के लिए. तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई भी नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल भी देर मत करो, जल्दी से प्लस सब्सक्राइब कर लो. अभी जो 2 नए कोर्सेज हमने बच्चों प्लस पर लॉन्च किए हैं उनमें से पहला है एसेंट फॉर क्लास 12th. इसमें हम 12th का पूरा सिलेबस करवा रहे हैं एग्जॉस्टिवली. मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूं, रोहित सर फिजिक्स, आशुतोष सर केमिस्ट्री और अमित दीक्षित सर आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं. और इंडिविजुअली जो एक कोर्स मैंने अभी लॉन्च किया है वो है कंप्लीट कोर्स ऑन जूलॉजी फॉर ड्रॉपर्स, जिसमें मैं 11th और 12th दोनों का पूरा सिलेबस कॉम्प्रहेंसिवली कवर करवा रहा हूं. और बच्चों प्लस को सब्सक्राइब करने का तरीका बड़ा आसान है.
नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, उसको लिंक को क्लिक कीजिए, सब्सक्रिप्शन पेज एक आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसमें बहुत सारे आपको फ्लेक्सिबल प्लान्स दिखाई देने वाले हैं। आप अगर 12th में हैं या ड्रॉप कर रहे हैं तो सीधे इस पे आपको क्लिक कर देना है, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन यानी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, जिसका फी है केवल 25,000 रुपए, यानी कि एक साल के लिए 40 एजुकेटर्स के लिए रोज 30 प्लस आवर लाइव सेशंस के लिए ईयर लॉन्ग जितने भी क्विजेज होते हैं उनके लिए, सारे एजुकेटर्स के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स के लिए, सारे एजुकेटर्स के डाउट रिमूवल सेशन के लिए, जो फी यहां दिखाई दे रही है वो कुछ भी नहीं है, 25,000। और अगर आपने ये रेफरल कोड बकुल10 यूज किया एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन तो बच्चों ये फी भी आपका आ जाने वाला है 22,500। अगर आप बच्चों 11th में हैं अभी और आप 2 साल के लिए कॉन्टिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए, 12th के साथ ही आपको अच्छे रैंक से सेलेक्ट होना है, यू मस्ट ऑप्ट फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। और फीचर्स सारे वही हैं, वही 40 के आसपास एजुकेटर्स हैं, डाउट सेशंस हैं, नोट्स हैं, क्विजेज हैं, पर्सनलाइज ट्रेनिंग है, और 2 साल का फी क्या है, 40,000, मतलब 1 ईयर 20,000। और जैसा कि मैंने कहा, यू जस्ट हैव टू फिल दिस कोड बकुल10, apply this code and the fee will come down to 36,000, which is nothing. तो ज्यादा मत सोचिए, जल्दी से आ जाइए प्लस पर, हम सब आपका वेट कर रहे हैं वहां। ओके, तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करें क्विज, रेडी? पहला क्वेश्चन, और ये जो पहला क्वेश्चन है ये नीट 2018 में पूछा गया था, ठीक है ना? तो आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू, विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म। और मीन वाइल मैं ये भी देख लेता हूं कि क्लास में कौन कौन बच्चे आ गए हैं, बहुत सारी चैटिंग मुझे दिखाई दे रही है यहाँ। नारायण, ईशानी, हेम कुमार, रेशमा, नूरेन, बहुत सारे नए बच्चे, पहली बार देख रहा हूँ इनको सबको। अनुजा, आप रेगुलर हैं। रमेश, विजय, निखिल, राहुल कुमार, युवराज, ईशानी, उसके बाद में विभा, देवांशु, कोमल अग्रवाल, निखिल, माधुरी। आप देखो मेरे पास रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं, ज्यादातर बच्चों ने रिप्लाई किया है इसमें। देवांशु कह रहे हैं 2, निखिल कह रहे हैं 2, श्रेष्ठा कुमारी कह रही है 2, रिया कह रही है 2, अनुजा कह रही है 2, विजय। ज्यादातर बच्चों ने रिप्लाई अभी तक ठीक दिया है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है बच्चों, और अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मैक्रोपसेस कंगारू माने कि ममेलिया, किलोन टर्टल माने कि रेप्टिलिया, कैमेलस कैमल, ममेलिया, सिटेकुला पैरट माने कि बर्ड्स, एव्स। तो अब हम जानते हैं अच्छे से, बर्ड्स एंड मैमल्स आर एंडोथर्मिक और होमियोथर्मिक बिकॉज दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्मिक बिकॉज दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड। ज्यादातर बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज गुड। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर जंप करें बच्चों। लो, ये भी नीट 2018 का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो इसे। Identify the vertebrate group of animals characterized by crop and gizzard in its digestive system. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 2018 नीट का। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, ऑस्टिक्थीज। आपको बस ये बताना है कि क्रॉप और गिजार्ड किसके एलिमेंट्री कैनाल में एग्जिस्ट करते हैं या किसके एलिमेंट्री कैनाल में मिलते हैं। नदीम कह रहे हैं 2, देवांशु कह रहे हैं 3, निखिल कह रहे हैं 3, 2 और 3 में कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, लेकिन कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कल जैसा मैंने आपको बताया था, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, सिंपल इजी वाला क्वेश्चन है जो सब बच्चों को सही करना चाहिए, जिसका रिप्लाई किसी को भी गलत देना ही नहीं चाहिए। देखो, हेम कुमार कह रहे हैं 1, विजय कह रहे हैं 2, फिर भी ज्यादातर बच्चों का आंसर ठीक है। कल मैंने डिस्कस किया था, इनफैक्ट कल से शायद
पिछले वाले सेशन में जब हम बर्ड्स पढ़ रहे थे कि बर्ड्स में टू एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, वन इज क्रॉप, अनदर इज गिजार्ड। किसी ने शायद क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हाट इज क्रॉप मिल्क और पिजन मिल्क, उसको भी हमने डिस्कस किया था। सो देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। थर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और इस बार फिर से ज्यादातर बच्चों ने रिप्लाई बिल्कुल 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 ठीक किया है। ओके चलो जी आगे चले। अमोद पांडे, नदीम अली, शिवानी यादव, ठीक है सब बच्चों का ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ये भी नीट 2018 का क्वेश्चन है और ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें भी वक्त आपको बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट, एन यहां प्रिंट नहीं हो पाया इसको मैं लिख देता हूं, डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, मतलब इनमें से मेटामॉर्फोसिस किसमें नहीं होता। अर्थवर्म, ट्यूनिकेट, मॉथ, स्टारफिश। इजी, उसी लेवल का क्वेश्चन है ये और किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ऐसा मैं सोचता हूं। नो वन शुड आंसर रॉन्ग रिप्लाई और रॉन्ग। ठीक है, अभी तक मेरे पास एक भी गलत रिप्लाई नहीं आया है, दैट इज इंडीड वेरी गुड। रुबेल, अमन, कोमल, शिवानी, नदीम, बेटा रिप्लाई सब एक ही बार करो, बार 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 रिप्लाई करने का मतलब नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? व्हेन द इमैच्योर फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू मैच्योर फॉर्म एंड ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन ईदर देयर इज चेंज इन मॉर्फोलॉजी और देयर इज चेंज इन लाइफस्टाइल और इन बोथ, इन दैट केस वी यूज द टर्म मेटामॉर्फोसिस। सिंपल लैंग्वेज में कह दूं, बिल्कुल लेमैन के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो भाई लार्वा अगर बनेगा लाइफ साइकिल में तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ, लार्वा नहीं बना तो डायरेक्ट। तो इनमें से किसमें लार्वा नहीं बनता? अर्थवर्म में, क्योंकि ट्यूनिकेटा माने कि यूरोकॉर्डेटा, इनका तो लार्वा होता है, एसीडियन टेडपोल। मॉथ इंसेक्ट है, इसमें भी लार्वा होता है। स्टारफिश, इसमें भी लार्वा होता है, और इक्वली मतलब दो तीन तरह के लार्वा होते हैं, स्पेसिफिक नाम नहीं है सबके, बट द आंसर इज वन। तो ठीक है, ज्यादातर बच्चों के ये आंसर सही हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन केस ऑफ पोरिफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स विच आर कॉल्ड एज, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मतलब आपको विद इन 10-15 सेकेंड रिप्लाई कर देना है, इससे ज्यादा टाइम इनमें खर्च होना ही नहीं चाहिए, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि यहां जो टाइम आप सेव करेंगे उसी से फिर आप बाकी क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर पाएंगे। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, और अभी तक किसी ने भी गलत रिप्लाई नहीं किया है। रिया, गौरव, निशांत, विजय, गजेंद्र, कुंदन, ईशानी, अमोद, गीता, 1 सेकेंड तो नहीं, आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ऑप्शंस पढ़ने में, और थोड़ा सा टाइम लेना भी चाहिए जिससे कि सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना? तो वो उतना वक्त सब लोगों को लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, और आंसर क्योंकि सिली मिस्टेक से भी बचना है हमें, करेक्ट। तो कॉइनोसाइट इज द करेक्ट आंसर। कॉइनोसाइट को और क्या कहते हैं बच्चों? कॉलर सेल्स, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। हमने ये डिस्कस किया था कि स्पंज जो है उसका जो कैविटी है अंदर की तरफ स्पंजोसील, वहां ये सेल मिलते हैं फ्लैजिलेटेड, और ये जो फ्लैजिलेटेड सेल हैं ये वाटर का मूवमेंट मेंटेन रखते हैं। प्रेजेंस ऑफ दीज सेल्स इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरिफेरा, ठीक है जी। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका नीट में पूछा गया है, नीट 2017। Which of the following represent order of the horse? It might be a bit difficult for a few, लेकिन फिर भी आपको आंसर कर देना चाहिए। Perissodactyla, Calebus, Ferus, Equidae। चलिए जी, फिर मैं आपको एक important concept भी बताऊंगा इससे related।
तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप इजीली रिप्लाई कर पा रहे हैं ना बच्चों, तो आप ये मान के चलिए कि एनिमल किंगडम जो है आपने ठीक से सेशंस लिए हैं सारे, आपकी प्रिपरेशन ओके है। और अगर इसी तरीके से आप आगे चलते रहे तो जितना तेजी से और जितना एक्यूरेसी के साथ आप इन क्वेश्चंस को रिप्लाई कर रहे हैं, जब आप नीट में अपियर होंगे तब भी उसी एफिशिएंसी से आप क्वेश्चंस को रिप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल आप 100% कॉन्फिडेंट रहिए इसको लेकर। अब देखो इसमें भी कुछ बच्चे गलत रिप्लाई किए जा रहे हैं। नाथा सोलंकी, ईशानी, बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? पेरिसोडेक्टाइल ऑर्डर पूछा है इसमें, ऑर्डर इज पेरिसोडेक्टाइला, फिर उसके बाद में फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब आएंगे। अब ये जो मैमेलिया में यू थीरिया पर्टिकुलरली हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, तो मैमेलिया में हमने एक तो पढ़ा था प्रोटोथीरिया, एक पढ़ा था थीरिया, ये एग लेइंग होते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। थीरिया में फिर मेटाथीरिया जिनमें कि कंगारू आते हैं, और यूथीरिया। तो यूथीरिया में बहुत सारे ऑर्डर्स थे, जैसे कार्निवोरा है, जैसे प्राइमेटा है, जैसे प्रोबोसिडा है, जैसे सिटेशिया है, जैसे काइरोप्टेरा है, जैसे रोडेंशिया है, जैसे लेगोमॉर्फा है, जैसे आर्टियोडेक्टाइला है, जैसे पेरिसो, मैनी मैनी फाइला आर देयर। दो इंपॉर्टेंट फाइला है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक तो आर्टियोडेक्टाइला और दूसरा पेरिसोडेक्टाइला। जब आपको आर्टियोडेक्टाइला के बारे में और पेरिसोडेक्ट, मतलब इनमें से किसी एक के बारे में पता है तो दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई मीन टू से। आर्टियोडेक्टाइला का मतलब हो गया इवन नंबर डिजिट्स, यहां हो गया ऑड नंबर डिजिट्स। कहने का मतलब फोर लिंब और हाइंड लिंब में जो उंगलियां होंगी, डिजिट्स होंगी, वो यहां तो इवन नंबर में होंगी, यूजुअली होती हैं टू, और यहां ऑड नंबर में होंगी, यूजुअली होती है वन। आ रही है बात समझ में? इसमें एग्जांपल आते हैं आपके कैटल, बफेलो, शीप, गोट, कैमल, जिराफ एटसेट्रा, और इसमें आपके आते हैं हॉर्स, डंकी एटसेट्रा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, ये जो आर्टियोडेक्टाइल्स हैं इनके लिए एक और नाम काम में लिया जाता है, शायद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस बार, दैट इज रूमिनेंट्स, और इनको कहा जाता है मोनोगैस्ट्रिक। अब इसका क्या मतलब है? हॉर्स जो है उसमें एक ही चैम्बर होता है स्टमक में, जबकि कैटल, बफेलो, शीप, गोट, कैमल, जिराफ इन सब में चार चैम्बर होते हैं। देयर आर फोर चैम्बर्स इन स्टमक, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, और ये सब जुगाली करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। जुगाली या रिगर्गिटेशन का मतलब क्या होता है? जब इनको खाना मिलेगा तो उसको चबाएंगे नहीं, स्टमक के एक चैम्बर में स्टोर कर लेंगे। जिस चैम्बर में स्टोर करते हैं दैट चैम्बर इज नोन एज रूमन, और जब ये रेस्टिंग स्टेट में होंगे तो रेस्ट के टाइम पर धीरे धीरे खाना वहां से निकलेगा, उसको ये चबाएंगे, चबाने के बाद फिर दूसरे चैंबर में भेजेंगे जिसका नाम है रेटिकुलम, फिर ओमेजम, फिर एबोमेजम, इस सीक्वेंस में जाएगा खाना। ठीक है, तो रूमिनेंट्स या रिगर्गिटेटिंग एनिमल्स जिनमें फोर चैंबर्ड स्टमक है, जिनमें इवन नंबर में डिजिट्स हैं, दे आर नोन एज आर्टियोडेक्टाइला, और इनको कहते हैं पेरिसोडेक्टाइला। इनकी कंपेरेटिव एनालिसिस है तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही किया था इसका, पेरिसोडेक्टाइला। चलिए जी, अब देखो इसमें जाने कितने बच्चों ने रिप्लाई किया है आंसर फोर, दैट इज नॉट गुड। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये भी नीट 2017 में पूछा गया था, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। ध्यान रखिए एक्वेटिक और मैमल्स दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन, इस वजह से अच्छे से पढ़ना ऑप्शंस, और ऑप्शन सारे अच्छे से पढ़ के फिर रिप्लाई करना। डॉल्फिन, सील, ट्राइगोन, व्हेल, डॉल्फिन, सील, ट्राइगोन, व्हेल, सील, सील, डॉल्फिन, शार्क। तो बस आप हर ऑप्शन में ये देखिए कि इनमें से मैमल कौन नहीं है। अच्छे से पढ़ लीजिए ऑप्शंस और फिर उसके बाद में रिप्लाई कीजिए।
मेरे पास आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं और ज्यादातर आंसर ठीक भी आ रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चों के आंसर टू है। तनिष्का, नूपुर, सरवर आलम, शिवानी, नदीम, ओके ओके ओके। चलो जी, मैं बता देता हूं आपको, जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं इसको। तो बच्चों, ये जो ट्राइगोन है पहले ऑप्शन में, दिस इज स्टिंग रे, यानी ये क्या है, फिश। फिर इसमें भी ट्राइगोन आ गया है, ये भी फिश है। इसमें शार्क आ गया है, ये भी फिश है। आपको अगर सील को लेकर कंफ्यूजन भी है कि भाई सील मैमल्स में आते हैं या नहीं, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस में मैमल नहीं है, अकॉर्डिंगली यू कैन रिप्लाई। ओके, तो ये एक्वेटिक मैमल्स हो गए बच्चों। चलिए जी, आगे चले। देवांशु कह रहे हैं, सर जो लेट रिप्लाई करते हैं आप उनका नाम लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इंसिडेंटली जब फोन पिक कर लेता हूं और कमेंट बॉक्स पे नजर जाती है, तो उस वक्त जो नाम सामने आते हैं उनको मैं सीक्वेंस में पढ़ता जाता हूं। उसमें अब बाई चांस ऐसा हो गया होगा कि कई बार आखिरी वाले बच्चे आ गए होंगे, कई बार पहले वाले बच्चे आ गए होंगे, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। चले बच्चों, ये भी नीट 2017 का क्वेश्चन है। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमी कॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हेमी कॉर्डेटा का कौन सा करेक्टर कॉर्डेटा से मैच करता है? वेंट्रल चिबुलर नर्व कॉर्ड, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन आपको रिप्लाई अच्छे से पढ़ के करना है। अर्पित गुप्ता, नूपुर, देवांशु, तन्वी, सुमित श्रीवास्तव, मोहित कुमार, ठीक है, ज्यादातर बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं। संस्कृति चौधरी, रुबेल, रिया मेगन, अनूप, हर्ष, अभिषेक सिंह, गीता, श्रेष्ठा कुमारी, कोमल अग्रवाल, अनिक सरकार, वसीम सोहेल, गजेंद्र, कुंदन, अंजलि, हेम कुमार। ठीक है बच्चों, अभी तक मेरे पास एक भी गलत आंसर नहीं आया है। दिस इज इंडीड वेरी गुड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फेरिंग्स विद द गिल स्लिट्स। ओके, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछा गया था नीट 2016 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक एक ग्रुप का नाम लिखा है, जैसे यहां लिखा है कॉन्ड्रिक्थीज, यहां लिखा है मैमेलिया, यहां लिखा है कॉर्डेटा, यहां लिखा है रेप्टिलिया। और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है समझा दूं आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो इस पर्टिकुलर ग्रुप में हमेशा मिलेगा। चलिए जी बताइए, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज, विविपेरिटी इन केस ऑफ मैमेलिया, पजेस अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ, दैट इज कॉर्डेटा, वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, दैट इज रेप्टिलिया। मतलब ये है कि उस ऑप्शन में एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए। चलिए देखता हूं। वसीम कह रहे हैं वन, अर्पित कह रहे हैं वन, मोहित टू कह रहे हैं, कोमल अग्रवाल वन, विजय वन, अर्चना जायसवाल कह रही हैं फोर, अनूप तिवारी कह रहे हैं वन, ज्यादातर बच्चे वन कह रहे हैं, गीता, सरवर आलम, रुबेल, हर्ष गुप्ता, अनिक सरकार, गीतू, रमेश, अभिजीत। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो टू रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो टू रिप्लाई कर रहे हैं, ये पता नहीं क्यों रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैमल्स में अभी मैंने कहा आपको, मैमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया कैसे होते हैं? ओविपेरस। तो मैमल्स में तो ओविपेरिटी भी मिलती है, ये तो नहीं हो सकता। पजेस अ माउथ विद अपर एंड लोअर जो, तो कॉर्डेटा के अंदर तो एग्नेथा भी आते हैं जिनमें जॉ नहीं होता, देयर इज एक्सेप्शन। वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, तो भाई क्रोकोडाइल्स में तो कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड आर्ट भी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो विदाउट एक्सेप्शन बस यही पॉइंट बचता है इसमें, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज को एलेस्मोब्रैंकाई भी कहा जाता है।
सिंपल लैंग्वेज में कार्टिलेजिनस फिश भी कहा जाता है. ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9. Which is the national aquatic animal of India? This is NEET 2016 question. चलिए जी बताइए. श्रेष्ठा कह रही है 4, सी हॉर्स. नहीं, ये तो पुराने क्वेश्चन के ही चल रहे हैं. चलिए जी, अर्पित, निखिल, वसीम, गजेंद्र, सबके ठीक रिप्लाई आ रहे हैं. अनुजा, अनूप, श्रेष्ठा, देवांशु, रुबेल, तरुण कह रहे हैं कि आप मेरा आंसर नहीं देख रहे. नहीं बेटा, मैं सबके आंसर देख रहा हूं. और ये 3 आंसर किसने दे दिया है? अरिन, अरिन गर्ग और रमेश, इन्होंने 3 आंसर दिया है. बाकी सब बच्चे, हेम कुमार कह रहे हैं 1, कोमल अग्रवाल कह रही है 3. ठीक है, बाकी सब बच्चों के रिप्लाई जो है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है. द करेक्ट आंसर इज रिवर डॉल्फिन 2nd. ओके, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10. ये बच्चों नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा में इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं मिलता? बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत रिप्लाई कर देना चाहिए आपको. काइटिनस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पेरापोडिया, जॉइंटेड अपेंडेजेस. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. वसीम कह रहे हैं 3, अभिषेक 3. अब देखो, ऐसा क्वेश्चन भी गलत करोगे बेटा तो कैसे काम चलेगा. देवांशु, अर्चना, अब मैं केवल उनके नाम लूंगा जो गलत आंसर दे रहे हैं. देवांशु, अर्चना और अर्चना, आपने 3 बार रिप्लाई कर दिया है, एक ही उसको, चौथी बार भी किया है आपने, जबकि 4 आंसर नहीं है. सी, पैरापोडिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनेलिडा. एनेलिड्स में मिलते हैं पैरापोडिया, नॉट इन आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन मिलेगा, दैट इज ओके. और आर्थ्रोपोडा टर्म का मीनिंग ही क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो यह भी होगा. मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी मिलेगा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स? दैट वॉज द क्वेश्चन. एंड द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 2nd. हां, तो ऐसे गलत टाइप मत करो. रेशमा, आपका नाम तो मैं ले चुका हूं बेटा, सभी बच्चों का नाम ले रहा हूं मैं जैसे जैसे मेरे सामने आ रहे हैं, ठीक है ना. चलो, क्वेश्चन नंबर 11. ये बच्चों नीट 2016 में पूछा गया था, और ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है. 5-10 सेकंड से ज्यादा इसमें टाइम कंज्यूम करना ही नहीं है. द वेक्टर ऑफ वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी. वुचरेरिया का दूसरा नाम क्या है? अर्पित कह रहे हैं 2, वसीम सोहेल कह रहे हैं 2. आप देखो, ये इतना इजी क्वेश्चन है कि मुझे जो सही रिप्लाई कर रहे हैं उनका नाम तो लेने का मतलब ही नहीं है कोई. अभी मुझे ये देखने दो कि गलत कौन रिप्लाई करता है इसको. दैट विल बी अ रियल सरप्राइज फॉर मी इफ समवन डजंट रिप्लाई करेक्ट. माधुरी, मोहित, बस 2 बच्चे आए अभी तक, बाकी सबके रिप्लाई ठीक हैं. तो माधुरी और मोहित, आप दोनों को इस बात को अच्छे से याद रखना है कि वुचरेरिया इज नोन एज फाइलेरियल वर्म, और ये जो फाइलेरियल वर्म है इससे एक डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं एलिफेंटियसिस. इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है माइक्रोफाइलेरिया, और इसको ट्रांसमिट करने वाला होता है क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स. तो कोई कंफ्यूजन अगर हो तो उसको सही कर लेना. बस 2 ही बच्चों के मेरे को रिप्लाई गलत दिखे थे, बाकी सबके रिप्लाई ओके थे. ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं. माधुरी और मोहित, आपको भी इसका रिप्लाई हो सकता है कि पता होगा, जल्दबाजी में
नहीं देखे जाने की वजह से या कोई कंफ्यूजन हल्का सा कहीं रह गया होगा, इजी क्वेश्चन है, डोंट गेट डीमोरलाइज्ड, परेशान मत होइए, होता है ऐसा बहुत बार, लेकिन क्वेश्चन ये इजी है, बस इतना ध्यान रहे। चलो जी, ऐसा ही एक और इजी क्वेश्चन आपके लिए, वेक्टर ऑफ वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। अरे ये क्वेश्चन तो अभी डिस्कस कर ही लिया ना, वापस से आ गया, कोई बात नहीं, दो बार प्रिंट हो गया वो। क्वेश्चन नंबर 13, इन मेटाजेनेसिस ऑफ निडेरियन लाइक ओबेलिया द पॉलिप एंड मेड्यूसा आर रेस्पेक्टिवली, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और बच्चों मेटाजेनेसिस हमने कहां डिस्कस किया था, सीलेंट्रेटा में या निडेरिया में, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसेक्सुअल स्टेज है, कौन सा सेक्सुअल स्टेज है, तब आप इसको रिप्लाई कर पाएंगे। देखो कोई 2 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, अब देखो अलग अलग रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए हैं मेरे पास में। चलो जरा समझो बच्चों इसको, ओबेलिया मेटाजेनेसिस एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है जी। हम ये जानते हैं कि मेटाजेनेसिस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में, करेक्ट। पॉलिप इज एसेक्सुअल स्टेज, मेड्यूसा इज सेक्सुअल स्टेज। बताइए एक बार और, आपको थोड़ा सा चांस दे रहा हूं, देख लो इसको अच्छे से, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से समझ लो। और उसके बाद में रिप्लाई करो। अभी देखता हूं मैं किस किस के रिप्लाई आ गए। इसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड आंसर्स मिल रहे हैं मेरे को। और भी देखो अभी चेंज करते जा रहे हैं, इसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर टाइम दे रहा हूं। अब देखो, अब इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो बच्चों, और जल्दी से समझ लेना क्योंकि अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। नॉर्मल जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप प्लांट्स में पढ़ते हैं वो क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फॉर्म। अब जरा ओबेलिया के लाइफ साइकिल पर आ जाओ। ओबेलिया का लाइफ साइकिल है, मान लो ये ओबेलिया है मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है जी। मेड्यूसा का मतलब क्या है, ये सेक्सुअल फॉर्म, सेक्सुअल स्टेज का मतलब इसने क्या बनाए, अच्छे से समझना आप इसको कॉन्सेप्ट को, गैमीट्स, यानी एक तो बना मेल गैमीट और एक बना फीमेल गैमीट। गैमीट्स जो बनेंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल कहने का मतलब है मियोसिस से, तो इसका मतलब ये भी एन हुआ और ये भी एन हुआ, कौन हुआ, हैप्लॉइड गैमीट्स। अब इन गैमीट्स में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जाइगोट। जाइगोट कैसा हो गया बच्चों, 2N। अब इससे बना लार्वा, यानी कि प्लेनुला। लार्वा से फिर क्या बना, पॉलिप। तो अब ये पॉलिप भी कैसा है, इसी से तो बना है ना, ये
2n, फिर पॉलिप से क्या बनेगा, मेड्यूसा, तो मेड्यूसा खुद भी क्या होना चाहिए, 2n। अगर इनमें से कोई एक हैप्लॉइड और दूसरा डिप्लॉइड हुआ तब तो वो लाइफ साइकिल प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा आगे। भाई मैं आपकी बात अगर करेक्ट मान लूं, बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि मेड्यूसा हैप्लॉइड है, अगर मेड्यूसा हैप्लॉइड है तो इसका मतलब गैमीट क्या वो माइटोसिस से बनाएगा? नो, गैमीट तो मियोसिस से ही बनेंगे। तो अगर मेड्यूसा को आप हैप्लॉइड कहेंगे तो गैमीट क्या एन बाई टू हो जाएगा? नो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई पॉलिप हैप्लॉइड होता है, अगर पॉलिप हैप्लॉइड है तो पॉलिप से ही तो मेड्यूसा बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो फिर तो मेड्यूसा भी हैप्लॉइड हो गया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आपको? और फिर मियोसिस होगा तो फिर एन बाई टू। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दे बोथ शुड बी डिप्लॉयड। सो 2n एंड 2n थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको सही कर लो। जिसने भी थ्री ऑप्शन दिया था दैट वुड बी द करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग यूज करना था आपको। मैं बच्चों एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक मिनट रुको, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जस्ट अ मिनट। सी, दिस इज पॉलिप, दिस इज मेड्यूसा। अभी हमें नहीं पता है कि भाई हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, कॉमन सेंस अप्लाई करो। मेड्यूसा कैसा स्टेज होता है? सेक्सुअल, सेक्सुअल स्टेज है। इसका मतलब ये क्या बनाएगा? गैमीट्स। मियोसिस से दो मेड्यूसा होंगे, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बिहेव करेंगे। तो ये आपका मेल गैमीट बना, ये आपका फीमेल गैमीट बना। और जब मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे उसके बाद में होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा लार्वा माने कि प्लेनुला, और प्लेनुला से बनेगा पॉलिप। तो अब इनिशियली मैं ये मान के चलता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेड्यूसा इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड ही मानोगे। तो गैमीट हो गए हैप्लॉयड, मियोसिस से बनेंगे, गैमीट हैप्लॉयड हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जाइगोट फिर क्या हो गया? डिप्लॉयड। लार्वा भी क्या हो गया? डिप्लॉयड। पॉलिप भी क्या हो गया? डिप्लॉयड। एंड पॉलिप विल गिव राइज टू मेड्यूसा दैट इज ऑल्सो डिप्लॉयड। तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कोई, दे बोथ आर डिप्लॉयड। चलो क्वेश्चन नंबर 14। नहीं, सवाल ये नहीं है कि सब गलत थे या सब सही थे, कुछ बच्चों का आंसर ठीक भी था, कुछ बच्चों के आंसर गलत भी थे। सवाल ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में होना चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल एक लाइफ साइकिल तो बनाएंगे ना, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलो जी अगला क्वेश्चन, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कालाजार। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बता दो जल्दी से। आप देखो कालाजार का आंसर देवांशु आप दे रहे हो वुचरेरिया, जबकि अभी तीन क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एलिफेंटियसिस। एब्सेंट माइंडेड होके मत बैठो, थोड़ा अटेंटिव रहो। अर्चना कह रही है, अर्चना जायसवाल कह रही है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अरे भाई प्लाज्मोडियम तो वेल नोन फैक्ट मलेरिया पैरासाइट है, तो थोड़ा जागृत अवस्था में रहा करो बच्चों, जागी हुई अवस्था में। ऐसे लेथार्जिक स्टेट में रहोगे तो आंसर गलत कर दोगे, ठीक है ना। चलो लीशमैनिया इज द करेक्ट आंसर। ट्रिपनोसोमा से होता है स्लीपिंग सिकनेस। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है मलेरिया। वुचरेरिया से होता है एलिफेंटियसिस। चलो जी आगे, एकाइनोकॉकस इज एन एग्जांपल ऑफ। एकाइनोकॉकस इज एन एग्जांपल ऑफ, इजी है क्वेश्चन, नेमेट हेलमेंथीज माने नेमेटोडा या एस्के हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज, बैक्टीरिया प्रोटिस्टा। चलो
कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 2। अब आपने क्या कर लिया, आपने ये देख लिया COCCUS। अब जिन बच्चों को आंसर नहीं पता है वो क्या एज्यूम कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस होता है, जैसे स्टेफाइलोकॉकस होता है, वैसे ये भी कोई बैक्टीरिया होता होगा। लेकिन एकाइनोकॉकस जो है इसको हम कहते हैं डॉग टेपवर्म, और ये एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया है, आप सेशन देखेंगे प्लेटीहेलमिंथीज वाला तो एकाइनोकॉकस का एग्जांपल मिलेगा आपको। इसको स्मॉलेस्ट टेपवर्म भी कह सकते हैं, तीन ही सेगमेंट होते हैं इसकी बॉडी में, एंड द आंसर इज प्लेटीहेलमिंथीज, आंसर इज 2। चलो ठीक है, अब सही आंसर आ रहे हैं वसीम, रिया, अर्पित, चलो जी अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ लिवर फ्लू इज इन्फेक्टिव टू इंटरमीडिएट, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था तो अब आपको इसका रिप्लाई दे देना चाहिए। चलो मैं एक काम करता हूं, लाइफ साइकिल थोड़ा सा डिस्कस कर लूं यहां। ये ऑर्गेनिज्म मिलता है शीप के लिवर में या शीप के बाइल डक्ट में, तो शीप के बाइल डक्ट में सर्वाइव करता है, शीप के बाइल डक्ट में ही रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करने के बाद में बाइल डक्ट में ही इसने एग डिलीवर किए, फर्टिलाइज्ड एग्स। आप जानते हैं बाइल डक्ट कहां जाकर के खुलती है, इंटेस्टाइन में, तो ये आ गए इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से अल्टीमेटली ये बॉडी से बाहर आए, बाहर आए तो एग में से पहली लार्वल स्टेज बाहर आ गया। पहला लार्वल स्टेज होता है मेरासीडियम, ये मेरासीडियम चला गया फ्रेश वाटर बॉडी में, माने कि तालाब में, झील में कहीं चला गया, इस तालाब और झील में इसे मिलेगा स्नेल, तो अब ये जो मेरासीडियम है इट एंटर्ड इन द बॉडी ऑफ स्नेल, कौन एंटर कर रहा है, मेरासीडियम। अब स्नेल की बॉडी में ही मेरासीडियम बदल गया स्पोरोसिस्ट, स्नेल की बॉडी में ही स्पोरोसिस्ट बदल गया रेडिया, और स्नेल की बॉडी में ही रेडिया कन्वर्ट हो गया सर्केरिया में, सर्केरिया बाहर आया कन्वर्ट हो गया मेटा सर्केरिया में, पांचवा लार्वा, पांच लार्वा होते हैं, मेटा सर्केरिया। तालाब के किनारे जो पेड़ पौधे लगे होंगे उनकी पत्तियों से लीव से जाकर के चिपक जाएगा, इन लीव्स को कौन कंज्यूम करेगा, एडल्ट शीप, एंड दैट इज हाउ द लाइफ साइकिल प्रोसीड्स। तो आपसे अगर पूछा जाता है शीप, शीप का मतलब है प्राइमरी होस्ट, और स्नेल का मतलब है इंटरमीडिएट, या हम कहें सेकेंडरी होस्ट। तो स्नेल के लिए तो इन्फेक्टिव स्टेज है बच्चों मेरासीडियम, और एडल्ट शीप के लिए या प्राइमरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव स्टेज हो गया आपका मेटासर्केरिया। अब इसमें क्या पूछा है, इन्फेक्टिव स्टेज जो इंटरमीडिएट, द आंसर वुड बी मेरासीडियम सेकेंड। चलो जी आगे चलें, आ जाओ। इन स्पॉन्जेस द सेल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज, नीट 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। जल्दी से आंसर दो, फैगोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, कॉलेनोसाइट, ट्रोफोसाइट, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, नो वन शुड रिप्लाई इट रॉन्गली। ठीक है,
लगभग लगभग सब बच्चे सही रिप्लाई कर रहे हैं, दैट इज आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट को और क्या कहते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, या हम कहें स्टेम सेल्स। और बच्चों इन्हीं सेल्स की प्रेजेंस की वजह से स्पॉन्जेस में रीजेनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18, ये AIIMS 2015 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेना सारे ऑप्शंस की और फिर रिप्लाई करना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसमें भी वही है, एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, चारों ऑप्शन पढ़ना। बॉडी कवर्ड विद फेदर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंड, अब इसमें जनरल करेक्टर याद होने चाहिए आपको, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, फोर लिम्ब फॉर्म विंग्स, लंग्स विद एयर सैक्स इन केस ऑफ बर्ड्स, मेमरी ग्लैंड्स, हेयर्स ऑन बॉडी, पिन्ना, टू पेयर ऑफ लिम्ब्स, मैमेलिया, माउथ वेंट्रल, गिल स्लिट्स विदाउट ऑपरकुलम, स्किन विद प्लेकॉइड स्केल, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, कॉन्ड्रिक्थीज, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉ एबसेंट, इंटेग्यूमेंट विदाउट स्केल, पेयर्ड अपेंडेजेस, साइक्लोस्टोमेटा। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन है। देवांशु कह रहे हैं टू, अल्फा एनी टू, अनूप तिवारी टू, मुकेश कुमार कह रहे हैं सी, डिंपू कह रहे हैं टू, कोमल अग्रवाल कह रही हैं थ्री, स्टेटस फॉर बॉयज थ्री, कोई थ्री कोई टू। चलो जी, कहां जो कंफ्यूजन है वो बताते हैं आपको। पहला ऑप्शन देखो, बॉडी एव्स, बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो बर्ड्स के कैरेक्टर समझो। बॉडी कवर्ड विद फेदर्स बिल्कुल सही है, फेदर्स होते हैं। स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर गलत, क्योंकि बर्ड्स का स्किन कैसा होता है, रफ, ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर, केवल एक ग्लैंड होता है, प्रीन ग्लैंड, जो टेल रीजन पर मिलता है। तो ये ऑप्शन खत्म हुआ। अब मैमल्स की बात करें कि भाई मेमरी ग्लैंड सब में मिलते हैं, हेयर्स ठीक है मिलते हैं, ईयर पिन्ना ठीक है मिलते हैं, टू पेयर ऑफ लिम्स ठीक है मिलते हैं, ये सारे करेक्टर ठीक हैं। माउथ वेंट्रल ओके, गिल विदाउट ऑपरकुलम ओके, कार्टिलेजिनस फिश के करेक्टर चल रहे हैं, स्किन विद प्लेकॉइड स्केल, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, अब ये गलत हो गया, क्योंकि ये वर्टिब्रेटा में आते हैं फिशेज, और वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड तो खत्म हो जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, तो ये वाला करेक्टर फिशेज का नहीं हो सकता। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ ठीक है, साइक्लोस्टोमेट्स की बात चल रही है, जॉ एब्सेंट एग्नेथा में आते हैं, दैट ऑल्सो इज करेक्ट, इंटेग्यूमेंट विदाउट स्केल ये भी ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस ये गलत हो गया, क्योंकि पेयर्ड अपेंडेजेस तो टेट्रापोडा में मिलते हैं, so accordingly the correct option would be second। चलो अगले क्वेश्चन में। AIIMS 2014 में पूछा गया है, which of the following animal is not viviparous, whale, bat, elephant, प्लेटिपस। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई कर दो। भाई जो भी यूथीरियन मैमल नहीं है उसको टिक करना है आपको, क्योंकि विविपेरिटी यूथीरियंस में होती है, तो वेल यूथीरिया में आता है, फ्लाइंग फॉक्स बैट भी यूथीरिया में आता है, एलिफेंट भी यूथीरिया में आता है, और प्लेटिपस आपका किस में आता है, ऑर्निथोरिंकस डकविल प्लेटिपस प्रोटोथीरिया, और ये कैसे होते हैं, ओविपेरस। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फोर। चलो जी, ये भी AIIMS 2014 में पूछा गया है, मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल, वही 10 सेकंड 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है, पढ़ो रिप्लाई करो आगे चलो जल्दी से।
प्रिस्टस टॉर्पीडो ट्राइगोन स्कॉलियोडॉन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये अब किसी भी बच्चे को गलत नहीं आंसर करना है ये लेट मी सी अब मैं केवल उस बच्चे का नाम बोलूंगा जो इस क्वेश्चन का गलत रिप्लाई करेगा अब अभी क्या किया जाए देखो ऐसे क्वेश्चन में भी इतना कंफ्यूजन हो रहा है कोई थ्री कह रहा है कोई टू कह रहा है हैं कुछ बच्चों ने तो वन और फोर भी रिप्लाई कर रखे हैं बताओ ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं किसी को भी प्रिस्टिस है सॉ फिश टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे ट्राइगोन स्टिंग रे स्कॉलियोडॉन शार्क डॉगफिश सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ये तो याद रखा करो बच्चों बड़ी छोटी सी चीज है इनमें कंफ्यूजन होगा तो कैसे काम चलेगा आ जाओ AIIMS 2014 प्लेनेरिया पजेस हाई क्वालिटी ऑफ प्लेनेरिया किस में आता है प्लेटी हेलमेंथीज में बताओ चलो मेटामॉर्फोसिस रीजनरेशन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बायोल्यूमिनेसेंस बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन रिप्लाई फास्ट ठीक है ठीक है ठीक है काफी सारे बच्चे बिल्कुल सही रिप्लाई कर रहे हैं ओके प्लेनेरिया पजेस सिग्निफिकेंट पावर ऑफ रीजनरेशन और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि प्लेनेरिया बिलोंग करता है प्लेटी हेलमेंथीज से और प्लेटी हेलमेंथीज के बाकी मेंबर्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती ये एक एक्सेप्शनल केस है इस वजह से आपको इसको अलग से याद रखना है दिस इज एन एक्सेप्शन प्लेनेरिया ठीक है ठीक है ज्यादातर बच्चों ने अब सही रिप्लाई किया है हाँ मेटाजेनेसिस भी है वो भी पढ़ेंगे ये भी AIIMS 2014 का क्वेश्चन है बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल पढ़ लो चलो बताओ जल्दी से अलग हट जाता हूं मैं साइनोबैक्टीरिया सी फैन सेक्रोमाइसिस ब्लू ग्रीन एल्गी अब भाई सेल वॉल किस में नहीं होती एनिमल सेल में नहीं होगी ना पढ़ो चलो जल्दी से रिप्लाई करो पहला ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया दूसरा है सी फैन तीसरा सैक्रोमाइसिस पढ़ लो अच्छे से देख लूं अब ठीक है अब ज्यादातर बच्चे सही रिप्लाई करने लग गए हैं सीधा सा हिंट केवल इतना ही था एनिमल सेल सी फैन गॉर्गोनिया इट बिलोंग्स टू एनिमल्स सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशनड इन रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर्ड स्पीसीज अब आपको यह देखना है जिसमें मरीन और फ्रेश दोनों मिलते हों एकाइनोडर्म्स टीनोफोर्स सेफेलोकॉर्डेट्स निडेरियन और सीलेंट्रेट सिंपल है मतलब इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पिक करना है बच्चों ठीक है वसीम सोहेल कह रहे हैं फोर मोहित कुमार कह रहे हैं फोर निखिल श्रीवास्तव कह रहे हैं थ्री टू फोर देखो फिर से अलग 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 आंसर आने लग गए मेरे पास फिर भी ज्यादातर बच्चे सही रिप्लाई कर रहे हैं दैट इज ओके भाई इसमें अब जैसे हाइड्रा है हाइड्रा कहां मिलता है फ्रेश वाटर में हाइड्रा किस में आता है
इसके जनरल कैरेक्टर में पढ़ते हैं बच्चों, निडेरिया या सीलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर में पहला टर्म यही पढ़ते हैं, बोथ मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर्ड। एकाइनोडर्मेट एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये भी लगभग सब मरीन होते हैं, मतलब एक आध ऑर्गेनिज्म मिल सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें क्या होगा, निडेरिया और वी कैन से सीलेंट्रेटा। चलो जी आगे, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज टू एकाइनोडर्मेटा। अब देखना, अच्छे से सोचना, प्लेटीहेल्मिन्थीज से एकाइनोडर्मेटा तक सबके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, इन सबके लिए क्वेश्चन है ये, और सबके लिए इनकरेक्ट ऑप्शन पिक करना है आपको, जो सबके लिए इनकरेक्ट हो। All group represent organ or organ system level of organization. All are triploblastic. All are bilaterally symmetrical. None of the above. Platyhelminthes से echinodermata. अच्छे से पढ़ो, अच्छे से। और जब इसको पढ़ोगे तो ऐसे कि all group represent either organ, मतलब सारे के सारे प्लेटी से एकाइनो तक, उनमें या तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा या ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है इसमें तो ऑर्गन लेवल पढ़ते हैं हम, और प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एसके हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, उन सब में ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं, तो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज ओके। ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में तीन जर्म लेयर बन गए, उसके बाद सब में जर्म लेयर है तीन, दैट इज ओके, दैट इज ट्रू। ऑल आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये गलत हो गया क्योंकि एकाइनोडर्मेट्स जो है वो कैसे होते हैं, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है एकाइनोडर्मेट्स में, सो दिस ऑप्शन और वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो थर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। काफी सारे बच्चों ने आंसर सही दिया था थ्री, लेकिन इसमें आप लोग बच्चों कंफ्यूज भी बहुत हो रहे थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 25, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इजी है, बता दो जल्दी से। किमी कह रही है सर नोटोकॉर्ड में हार्ट किस साइड में होता है, आप शायद नॉन कॉर्डेटा लिखना चाहते हो, नॉन कॉर्डेटा में हार्ट जो है वो डॉर्सल सरफेस पर होता है, बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर। तो बेटा लार्वल स्टेज में होता है, दैट इज ओके, लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकाइनोडर्मेटा में सिमेट्री कौन सी होती है, तो आप लार्वा की नहीं लिखेंगे, आपसे बात की जा रही है स्टार फिश की सिमेट्री की, जो स्टार फिश आपको दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन पूछने वाले को लार्वा की सिमेट्री पूछनी होगी तो उसे मेंशन करना पड़ेगा व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेट। ऐसे तो हर्डमेनिया एसिमेट्रिकल है, गैस्ट्रोपोड्स एसिमेट्रिकल हैं, लेकिन इनके लार्वा तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ना, बावजूद उनके इनको कहते क्या है, एसिमेट्रिकल। पेरिपेटस किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। नियोपिलाइना किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, एनेलिडा एंड मोलस्का। चलो जल्दी से, Which one of the following feature is common in silverfish, scorpion, dragonfly and prawn? इसको पढ़ लो अच्छे से, reply करो। Which one of the following feature is common in silverfish? Silverfish का मतलब है insect, scorpion का मतलब है arachnid, dragonfly का मतलब है insect, prawn का मतलब है crustacea। मतलब ये आर्थ्रोपोडा के तीन अलग अलग ग्रुप हो गए, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया, एरेकिनिडा। अब आपको आर्थ्रोपोडा का करेक्टर पिक करना है। थ्री पेयर ऑफ लेग गलत हो गया क्योंकि स्कॉर्पियन में लेग कितने होते हैं, फोर पेयर। काइटिनस क्यूटिकल एंड टू पेयर ऑफ एंटेनी, ये गलत हो गया क्योंकि वन पेयर ऑफ एंटेनी ही होते हैं इंसेक्ट में। जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये बिल्कुल ठीक है, सब में मिलेंगे। सिफेलोथोरेक्स गलत क्योंकि इंसेक्ट्स में हेड थोरेक्स एब्डोमेन होता है, सिफेलोथोरेक्स नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, थ्री। बॉट्रोइडल टिश्यू इज फाउंड इन, बॉट्रोइडल टिश्यू होता है आपका लीच में। लीच का मतलब क्या है, एनेलिडा।
और लीच में कहां होता है ये, बॉडी कैविटी में भरा रहता है, कहने का मतलब सीलोमिक कैविटी में, सीलोमिक स्पेस ऑफ द लीच। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी जल्दी बता देता हूं अब क्योंकि दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं, देख लो। इन एन ऑर्गेनिज्म लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इज फाउंड, चूज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। अब लैडर लाइक नर्वस सिस्टम किसमें मिलता है, प्लेटी हेलमेंथीज में, और प्लेटी हेलमेंथीज का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, फ्लेम सेल। करेक्ट ऑप्शन इज वन। इनकरेक्ट मैच सिंपल है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया, दिस इज करेक्ट। पेनेचुला सी पेन, दैट इज करेक्ट। गॉर्गोनिया सी फैन, दैट ऑल्सो इज करेक्ट। हाइड्रा सी कुकुम्बर, फोर्थ ऑप्शन, ये गलत है। फोर्थ वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट, चूज द फॉल्स ऑप्शन। स्पॉन्जेस मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट इज ट्रू। नेडेरिया टीनोफोरा एंड एकाइनोडर्मेट्स रेडियल सिमेट्री, दैट इज ट्रू। एनेलिड आर्थ्रोपोड मॉलस्कंस एंड कॉर्डेट्स बाइलेटरल सिमेट्री, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये तो सारे ट्रू हैं, इसमें से फॉल्स कुछ भी नहीं है। आंसर वुड बी फोर, दैट इज नन ऑफ द अबोव। ठीक है बच्चों, ये हमारा मेगा क्विज हुआ। एक मेजर यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं कल से, कल का मतलब हो गया संडे से, सॉरी मंडे से। मंडे का जो 3 बजे वाला सेशन है उससे मैं एनिमल टिश्यूज का चैप्टर फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। हमारे जुलाई के मंथ में कुछ एक लेक्चर उसके हुए थे, लेकिन वो जो हो गए वो हो गए। मैं फिर से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एनिमल टिश्यू स्टार्ट करूंगा और फिर उसको हम कंक्लूड करेंगे अप टू नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एनिमल टिश्यूज। सारा का सारा सेगमेंट में फिर से पढ़ाने वाला हूं आपको, राइट फ्रॉम एपिथेलियम टू कनेक्टिव टिश्यू टू मस्कुलर टिश्यू टू नर्वस टिश्यू। ओके, तो ये आज का अपना सेशन हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा अगर आपने इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन सही रिप्लाई किए हैं तो। अगर आपने सारे क्वेश्चंस या ज्यादातर क्वेश्चन सही रिप्लाई नहीं किए हैं तो दिस इज माय सिंसियर एडवाइस कि जो भी पुराने वीडियोज पुराने लेसन्स अपलोड हुए हैं उन सबको एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को रिप्लाई कर पाएंगे। खास तौर से वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो बहुत कंसेप्चुअल बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको आप बिल्कुल इजीली रिप्लाई कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो, दिस कॉन्टेंट जो आपको मिल रहा है दैट इज मोर देन सफिशियंट। तो आज के लिए बस इतना ही, 3 बजे मंडे को हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज। ओके, और शाम को 7 बजे जैसा कि मेरे से बहुत सारे बच्चों ने कहा था इम्यूनोलॉजी वाला सेक्शन, वो जुलाई के मंथ में बीच में अब्रप्टली एंड हुआ था, तो अब इम्यूनोलॉजी वाला सेक्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज इवनिंग 7 o'clock से। तो 7 बजे आप सब लोग आइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का जिसको हम कंक्लूड करेंगे। ओके, सो गुड बाय, मिलते हैं शाम 7 बजे। जाने से पहले हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इसको जितना शेयर कर सकते हो करो, पहुंचाओ दूर दूर तक, और अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आप सब लोगों का वहां पर। ओके, गुड बाय।